हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर करणी एकेडमी एंड एजुटेक की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों ने पिछला जो वीडियो है उसको बहुत प्यार दिया, बहुत आराम से देखा समझा, तो इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे आने वाले वीडियोस को भी आप इस तरह से देखते रहिए, उसको इतना ही प्यार देते रहिए, उनको शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। करनी एकेडमी की ये टीम और ये एक्सपर्ट फैकल्टी आपको अपनी मंजिल तक ले जाने में बहुत हेल्प करने वाली है, तो बस भरोसा दिखाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन लोग। पिछली बार कहाँ से छोड़ा था, वहीं से, जहाँ से अंत वहीं से शुरुआत। ठीक है जी। तो पिछली बार मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बता दी थी कि भाई यूनिट क्या होता है ना। यूनिट जो है वो क्या होता है, कैसे जो है यूनिट को जो है अपन देखते हैं, अलग अलग यूनिट्स अपन ने देखी, अलग अलग सिस्टम्स अपन ने देखे, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव क्वांटिटी क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, कौन कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल होती है। फिर हमने देखा कि फंडामेंटल से अपन किसी भी डेराइव क्वांटिटी में चले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें अपन ने पिछले लेक्चर में देखी थी। तो अब अपन देखते हैं यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड, एंड दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ फिजिकल अमाउंट। सॉरी, यहां पर आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जी, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी आपको मेजर करनी है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो मैं क्या करता हूं कि उसका कोई एक छोटा सा अमाउंट को मैं स्टैंडर्ड मान लेता हूं और उसके रेस्पेक्ट में मैं पूरा मेजर कर देता हूं। ये चीज एक सेकंड में, एक मिनट में आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये आपके पास एक पेन है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये लंबाई का कोई एक मात्रक है, ये लेंथ का कोई एक छोटी सी स्टैंडर्ड मान लिया। अब मुझे माननी है कि इस टेबल की लेंथ कितनी है। तो मैंने देखा एक, ये दो, ये तीन। अरे, तीन पेन जो है इस टेबल की लेंथ है। इस दीवार की मापनी है, मैंने ऐसे देखा एक दो तीन, इस तरह से चार, इस तरह से। तो मैंने देखा कि 15 पेन जब मैं ऐसे करता हूं तो इसकी लंबाई हो जाती है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा अमाउंट जो है, सर्टेन अमाउंट को तो स्टैंडर्ड मान लिया कि स्टैंडर्ड क्या है, और उसके बाद मैंने उसकी हेल्प से कोई भी चीज को जो है मेजर कर लिया। एक ग्लास को मैंने मान लिया कि एक पाव है या कुछ भी है, एक ग्लास का मैंने एक पाव का एक ग्लास मान लिया, वो पाव मेरा स्टैंडर्ड हो गया। अब मुझे 1 किलो दूध देना है, 4 ग्लास दे दूंगा। 2 किलो दूध देना है, 8 ग्लास दे दूंगा। आधा किलो दूध देना है, 2 ग्लास दे दूंगा, क्योंकि मैंने एक छोटा सा अमाउंट को स्टैंडर्ड मान लिया है ना। आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। गांव में अपन जो है इस तरह से मानते हैं कि ये 1 2 3 चलो दीवार को मापना है, तो चलो ऐसे मान लो कि एक स्टैंडर्ड मैंने इसको माप लिया कि ये मेरा एक स्टैंडर्ड है। अब इसकी हेल्प से मैं किसी दीवार की, किसी रूम की, किसी दरवाजे की जो है लंबाई माप सकता हूं। तो छोटा सा अमाउंट जिसको स्टैंडर्ड मान लो और उसकी हेल्प से कोई भी चीज की आप जो है मेजरमेंट कर सकते हो, और उसको क्या बोलेंगे, दैट इज यूनिट। अब देखिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट कैसी होनी चाहिए साहब, तो एक्सेप्टेड एवरीवेयर, हर जगह एक्सेप्टेड होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ये वाली चीज मेरे गांव में ही चलती है या आसपास अपने यहाँ ही चलती है। चलो अमेरिका चले गए, कुछ समझेगा नहीं समझेगा यार, ये क्या माप रहा है, ठीक है ना। तो हर जगह पे ऐसी होनी चाहिए जो अपने अभी लोकल है, चलेगी वो। लेकिन जो फिजिक्स में कौन सी यूनिट काम लेंगे, वही लेंगे जो सब जगह एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं है साहब, ये जो कपड़ा लाते हैं ऐसे माप देते हैं, ये 1, ये फिर 2, ऐसे 3। साहब, ये हमारे गांव में मीटर होता है। भाई, आपके गांव में मीटर होता है, हो सकता है आपके गांव में लोग लंबे लंबे हो, कहीं पे छोटे छोटे लोग हो बेचारे, इतना इतना हाथ है उनका, कैसे मीटर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। ऐसे मीटर थोड़ी हो पाएगा, उनका एक हाथ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तो चलो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे हाथ से दे देते हैं। तो हर जगह एक्सेप्टेड होनी चाहिए। दूसरी, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। अब मैंने मान लिया कि ऐसी यूनिट बना दी जो यहाँ पे तो अवेलेबल है पर कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है, उसका मेजर कैसे करें, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, नॉट वेरिएबल। जैसे मैंने मेरे हाथ की लंबाई को 1 मीटर कह दिया जब मैं 15 साल का था, लेकिन मैं 20 22 साल का हुआ, हाथ लंबा हो गया, अब क्या वो 1 मीटर रहेगा, तो चेंज हो गई ना, स्टैंडर्ड चेंज हो गया। तो चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जो फिक्स हो। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है किसी यूनिट के लिए।
आगे देखिए जी, अब अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं अपन, है ना। कैसे, कहीं पे केजी में मापते हैं, है ना। मैंने कहा कि साहब मुझे 1 केजी दो चावल, किसी ने कहा भाई साहब मुझे 1 केजी नहीं चाहिए, मुझे 1000 ग्राम चावल चाहिए। दोनों बातें बराबर कर रहे हैं, बात सही कर रहे हैं, लेकिन क्या है फर्क है इस यूनिट का। तो अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग सिस्टम्स है, वहां पर यूनिट अलग अलग यूज की जाती है। मैं कहता हूं कि भाई 100 सेंटीमीटर चलो, लेकिन मेरा भाई कहता है भाई नहीं 1 मीटर चलो। बात दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन यूनिट अलग अलग है। समझ सकते हो आप कि अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग सिस्टम है, जहां पर यूनिट अलग अलग होती है। तो 3 सिस्टम जो अपने फिजिक्स में काम आएंगे, पहला आएगा सीजीएस। सीजीएस का यहां पर देखो, ये लेंथ है, ये आपका मास है, और ये आपका टाइम है। तो लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हैं सीजीएस के अंदर, मास को जो है द्रव्यमान है किसी चीज का उसको ग्राम में मापते हैं, और टाइम को सेकंड में मापते हैं, ठीक है जी। उसके बाद होता है एमकेएस। एमकेएस में लेंथ को मीटर में मापते हैं। मैं यहां पे कहूं कि 1 मीटर में चलूंगा तो मैं एमकेएस में बात कर रहा हूं, लेकिन भाई क्या कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर चलो, तो भाई किस में बात कर रहा है, वो सीजीएस में बात कर रहा है, ठीक है। सेम लाइक लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज है किसी की, तो उस तरह से इनकी भी अलग अलग पद्धतियां हैं। तो यहां पर देखिए किलोग्राम, अब मैं कह रहा हूं कि भाई 1 किलो चावल लेके आऊंगा, लेकिन भाई कह रहा नहीं 1000 ग्राम लेकर आएंगे। बात दोनों सही कर रहे हैं, लेकिन जो कि पद्धति अलग है, वो सीजीएस में बात कर रहे हैं, मैं एमकेएस में बात कर रहा हूं, ठीक है। टाइम को सेकंड में ही देखते हैं। तीसरी, जिसको ब्रिटिश कहते हैं, या एफपीएस, फुट, यानी लंबाई को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। आपने रेसलिंग वगैरह देखी होगी, तो जॉन सीना 98 पाउंड, जो भी जितना भी पाउंड उनका होता है, 128 पाउंड, 123 पाउंड, ऐसे आता है ना, वो पाउंड में बोलते हैं। रेसलिंग वगैरह में क्या होता है, उसके वेट को पाउंड में मेजर किया जाता है। तो आप किलोग्राम में नहीं, आप पाउंड में जो है मेजर करते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। अब देखिए लंबाई को फुट में, और ये ब्रिटिश जो है वो पद्धति है, अंग्रेज इसको यूज करते हैं। भारतीयों पे अंग्रेजों ने बहुत राज किया है, तो अभी भी अपने पुराने लोग हैं, इवन नए लोग हैं, जो अपना घर की लेंथ वगैरह फुट में ही मेजर करते हैं। साहब 50x33 फुट है, साहब ये रूम है हमारा 15x10 का, तो फुट में ही देखते हैं वो, अभी भी फुट में ही मेजर करते हैं ना। लगभग आपको ये कन्वर्जन बताऊंगा कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 पाउंड में कितने केजी, 1 सेकंड में कितने मिनट, ये सारी चीजें भी अपन आने वाले सारे लेक्चर में कर लेंगे। बट आपको जुड़े रहना है, ये बेसिक है फिजिक्स का, बहुत हर चैप्टर में काम आएगा, ईच एंड एवरी चैप्टर ये चीजें काम आएगी। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है फिजिक्स में जिसमें यूनिट वगैरह नहीं पूछेंगे, तो आपको बेसिक अच्छे से करना है, ठीक है। तो 3 पद्धतियां हो गई, ठीक है जी, ये वाली। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बिल्कुल जा सकते हैं अपन, जैसे 1 केजी को 1000 ग्राम में लिख दिया, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर में, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में इजीली जाया जा सकता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इन एवरी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एन इंटू यू कॉन्स्टेंट, ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं घर पहुंचता हूं 1 घंटे में, 1 आवर। मेरा दोस्त कहता भाई तू झूठ बोल रहा है, मैंने घड़ी चेक की थी, तू 60 मिनट में घर पहुंचता है ना। मेरा एक और दोस्त आया कि तुम दोनों ही बेवकूफ हो, झूठे हो, मैंने घड़ी चेक की है, तू तो 3600 सेकंड में घर पहुंचता है। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, मैं तो 1 घंटे में पहुंचता हूँ, बिल्कुल सही है, मेरी घड़ी बिल्कुल 1 घंटा बता रही है। उसने कहा नहीं यार ये तो 60 मिनट बता रही है। इसने कहा नहीं नहीं ये 3600 सेकंड बता रही है। फिर कोई पढ़े लिखे आदमी को हमने पूछा जिसको बहुत अच्छी फिजिक्स आती थी, तो उसने कहा नहीं यार तो आप तीनों जो है सही बोल रहे हो, है ना, आप तीनों सही बोल रहे हो, पापा ही डैडी है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या, मतलब फिर मुझे पता चला कि बातें सब सही है, बस इसकी यूनिट अलग है, यहाँ पर ओवर है या मिनट है या 3600 है मतलब सेकंड है, इसलिए ये डेटा अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के मेरे घर पहुंचने का समय नहीं बदल रहा है। 3600 सेकंड ही 1 आवर है और 60 मिनट भी 1 आवर है, मतलब घर में पहुंच रहा हूं वो टाइम बिल्कुल सही है, बट यूनिट अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं एन, देखो ये एन1, इसके साथ यूनिट आ गई यू1, बराबर है
एन टू और यूनिट आ गई यू टू, ये बराबर है एन थ्री और यूनिट आ गई यू थ्री। यानी कि जैसे जैसे मैं यूनिट को छोटा कर रहा हूं ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, यूनिट छोटी हो रही है। एक घंटा बड़ी चीज है, मिनट छोटी है, आपको पता ही घंटा बड़ी चीज है, मिनट छोटी है, और उसके कंपेयर में सेकंड उससे भी छोटी है। तो यानी जैसे जैसे मैं यूनिट को छोटा कर रहा हूं ये वाली चीज बढ़ रही है, या फिर और छोटा किया सेकंड में बात करी तो ये चीज बढ़ गई, लेकिन इनका गुणा जो होता है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। यानी मेरे घर पहुंचने का जो टाइम है, मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हुआ है, घर में अभी भी उसी टाइम में पहुंच रहा हूं, ठीक है। अलग अलग यूनिट में अलग अलग पद्धति में मैं चेंज हो सकता हूं, बट मैग्नीट्यूड हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, और ये क्या रहेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। देखो अब यहां से एक बात पता चली कि एन जितना ज्यादा होगा उतनी यूनिट क्या होगी, छोटी होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एन जो है लार्जर है तो यूनिट जो है वो स्मॉलर है, ठीक है जी। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, बात दोनों सेम कर रहे हैं, चावल उतने ही आए, मैंने देखा चावल जो है वो जो तोल रहे थे जिसमें कांटे में, उसमें उतने ही चावल आए। जब भैया ने कहा कि 1000 ग्राम दे दो और मैंने कहा 1 kg दो, आए उतने ही भाई, है ना। जैसे दो डब्बे, एक डब्बा है हमारे घर में छोटा सा, उसमें 1 किलो चावल आ जाते हैं। जब भैया 1000 ग्राम लेके आए थे तब भी उसमें उतने ही चावल आए, और मैं 1 kg लेके आया था उसमें उतने ही आए, तब मुझे पता चल गया कि नहीं ये खेल पद्धति का है, चीज वही आ रही है, बट हम पद्धति चेंज कर रहे हैं इसलिए हमारे मान चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये N1 ये U1 बराबर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू N2 और ये यूनिट अलग लिया मैंने U2, सिस्टम में चेंज कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर केजी बड़ा है ग्राम छोटा है, इसलिए यहाँ पर 1 ही आया, लेकिन यहाँ पर ग्राम छोटा है इसलिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया, यहाँ 1000 आ गया। सेम लाइक मैं कह दूं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी है, इसलिए यहां पर ये एन ज्यादा आया, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि एन इंटू यू कॉन्स्टेंट होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आगे आने वाले जो भी टॉपिक है इसमें काम आएगी, तो प्लीज इसको अच्छे से रिमाइंड कर लेना, और डाउट्स हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। लाइव चैट तो एक बार प्रीमियर पे होगी, लेकिन जब भी बहुत जल्दी अपन जो है मैं खुद रूबरू होऊंगा और यहीं आपके डाउट सॉल्व करने वाला हूं विद इन 2 या 3 डेज, तो आप जो है स्टे ट्यून, हमारे साथ जुड़े रहना। नेक्स्ट देखते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज, जैसे 7 क्वांटिटीज बताई थी मैंने, 7 ऋषि बताए थे आप लोगों को, है ना। कौन कौन से याद करो, ये अपने केजी वेजी में मेजर किया था, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस ऑफ इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लोगों ने सोचा भाई अपना काम तो हो गया, हमने यूनिट बना ली और फिर मैंने प्रूफ करके बता दिया कि कोई भी डेराइव क्वांटिटी हो उसको फंडामेंटल में चेंज कर दो, उसकी यूनिट लिख दो और उसका वैल्यू लिख दो, कुछ भी कर दो, डेराइव का मतलब है कि आया वो फंडामेंटल सही है। लेकिन फिर लोगों का दिमाग छनक गया जब उन्होंने देखा कि इस तरह से कोई भी दो चीजें, लाइन ऐसे देखिए, ये वाली, ये दो लाइंस है आपके पास इस तरह से, अब ये लाइन, ये ग्रीन वाली और ये ब्लैक वाला मार्कर, ये इस पे कितना झुकी हुई है, इतना 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 या इतना, ये झुकाव जो है दो लाइन का ये कैसे मेजर करे सर। तो दिमाग थनक गया यार, ये तो ऐसी कोई क्वांटिटी है ही नहीं जिसको, तो फिर दो और क्वांटिटीज दी कि भाई दो और ले जाओ, ये 7 से काम नहीं चल रहा है, तो दो और बाद में क्वांटिटीज दी जिनको बोला गया सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब बाद में वापस देना, ठीक है जी, ऐसा किसी की नहीं हो। चलिए देखते हैं, अब फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उसके बाद दो क्वांटिटीज दी गई जिनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोला गया। पहली प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल ये होता है दो लाइन के बीच बनने वाला एंगल, है ना, ऐसे ये थीटा, ये दो लाइन के बीच, ये आज तक जो एंगल देख के आ रहे हो वो प्लेन एंगल है, और प्लेन एंगल का जो ये यूनिट होता है, प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन। और दूसरी एक होती है सॉलिड एंगल, अब कह रहे सर सॉलिड एंगल आज तक सुना तो नहीं लेकिन सॉफ्टी तो खाई है, कुछ लोगों के तो मुंह में पानी आ गए होंगे सॉफ्टी का नाम सुन के, चलो सॉफ्टी बना देते हैं, ये सॉफ्टी, ठीक है,
बढ़िया है, अच्छी है काफी, एक दिन खा सकते हो। अब इसको देखो, ये सॉफ्टी अंदर से जो एंगल बना रही है ना बेटा, ये वाला कितना बना रही है ऐसे, है ना, कितनी सॉफ्टी रखूं, ऐसे रखूं, ये ऐसे छोटी होगी। अब ये एंगल बढ़ गया अंदर, है ना, तो ये वाला भी मेजरमेंट होता है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है जी, तो ये होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको ऐसे मैं अगर 3D में डायग्राम बनाऊं, क्योंकि अपनी जो बोर्ड है वो 2D होता है, तो 3D डायग्राम नहीं बन सकता उस पे, लेकिन फिर भी मैं फील करवा रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टे रेडियन, और प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो ध्यान रखना, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को बाद में दिया गया, एक प्लेन एंगल दूसरा सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की यूनिट तो होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्टे रेडियन। प्लेन एंगल जो आज तक अपन देखते हैं, दो लाइन के बीच में, दो दीवार कोई भी किसी के बीच में बनने वाला एंगल, और ये एक सॉलिड एंगल है जो 3D में होता है ना, ये 2D में होता है, दो डायमेंशन में होता है, ये 3D में होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डायमेंशन की, ठीक है जी, डायमेंशन की। और इससे पहले एक और बात बता दूं कि अगर आप बुक से देखोगे, चैप्टर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक अगर आप बुक से देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ चीजें हो नहीं रही है सर, आगे पढ़ा रहे हैं। देखो, बुक अपने हिसाब से डिजाइन होती है और टीचर अपने हिसाब से सिलेबस करवाता है। जब हम पूरा चैप्टर कह देना कि सर हमने जो है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है ना, बेसिकली जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस जो कि नया आया है, फर्स्ट चैप्टर इंफॉर्मेशनल है, उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, उसको सिर्फ आपको बुक से रीड करना होता है। जो आपकी रियल फिजिक्स शुरू होती है वो सेकेंड चैप्टर से शुरू होती है, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन की सारी चीजें, एरर वगैरह की बातें होती है। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक समरी बना के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद इधर उधर के जो टॉपिक है हम उसको लिंक करते हैं कि भाई पहले कौन सा पढ़ाएं, फिर कौन सा पढ़ाएं, फिर कौन सा पढ़ाएं, फिर हम कहते हैं कि भाई अब चैप्टर खत्म हो गया। और बच्चा जब जाके देखता है तो उसे लगता है कि यार हाँ, एक एक चीज सर ने करवा दी है, जो कुछ चैप्टर में था वो सर ने सब करवा दिया है। ठीक है, होमवर्क भी हम बार बार देते रहेंगे आपको कि भाई आपको बुक से कौन कौन सी चीजों को लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे रिलेट करते रहना है कि सर ये चैप्टर बुक में पहले है आपने बाद में पढ़ाया, वो बुक का अपना है, हमारा एक तरीका होता है कि किस तरह से आपको पढ़ाना है, क्योंकि हमें इतने सालों से पता चल गया है कि बच्चे को कैसे समझ में आएगा, तो वो चीजों को उस लेवल तक लेके जाना है। ठीक है जी, तो डायमेंशन जो कि लास्ट में दे रखा है, लेकिन उसको पढ़ाया बिल्कुल जाता है यूनिट्स के बाद तक, क्योंकि यूनिट्स और डायमेंशन बिल्कुल लिंक है, ये चीज अभी आप समझ जाओगे। तो देखिए, डायमेंशन का मतलब होता है हाउ द डेराइव क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड करती है, ये तो हमने देख लिया कि डिपेंड करती है, लेकिन कैसे डिपेंड करती है, वी फाइंड इट बाय द डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला से अपन ये पता लगा सकते हैं कि कैसे डिपेंड करती है। तो ध्यान से सुनिए इसको, देखिए आपके पास एक क्वांटिटीज है, मैं मान लेता हूं वेलोसिटी, अभी वही क्वांटिटीज ले रहा हूं जो 9-10 तक आपने देखी है, और इसको अपन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है जी, अब डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपको पता है लेंथ है, और टाइम तो वैसे टाइम ही है सर। देखिए, तो यहां पर वेलोसिटी जो है वो क्या आ जाएगी, लेंथ की घात 1 बट्टा टाइम की घात 1। अब आपने देखा होगा ऐसे, a की घात m बट्टा b की घात n, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये लिख सकता हूं a की घात m गुणा b की घात माइनस n, घात अगर मैं चीज को ऊपर लेके जाऊंगा तो उसकी घात माइनस में हो जाएगी, अगर ये माइनस होती तो ऊपर जाके प्लस बन जाती, प्लस है इसलिए माइनस बन गई, ऐसे लिख सकता हूं। तो इस चीज को मैं यहां अप्लाई करूं, अगर मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं, मैं लिख सकता हूं लेंथ है ना पे घात 1 गुणा टाइम पे घात -1, ये ऊपर चली गई तो माइनस हो गई, ये क्या है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है कि लेंथ की तो 1 पावर है ना, इसको पावर बोलते हैं ना, लेंथ पे पावर 1 और टाइम पे पावर 1। ठीक है जी, तो a डिवाइड बाई बी
इस पे पावर m है, इस पे पावर n है, तो a पे पावर m और इसको ऊपर ले गया तो ये b पे पावर माइनस एन हो गया। ठीक है जी, तो यहां से देखिए वेलोसिटी जो हो जाएगा वो लेंथ पे पावर 1 और टाइम पे पावर माइनस 1। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से डिपेंड करती है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इस तरह से निर्भर करती है। थोड़ा और देख लीजिए ताकि आपको और समझ में आ जाए थोड़ा। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो क्या होता है जी, वो होता है आपका वेलोसिटी बटे टाइम। यहां पर वेलोसिटी तो कैसे डिफाइन करती है, देखो लेंथ पे घात 1, टाइम पे घात माइनस 1, तो वेलोसिटी के लिए लिख दूं सीधा ही लेंथ पे घात 1, टाइम पे घात माइनस 1, और ये टाइम नीचे आ रहा है ना, टाइम पे घात 1 नीचे आ रही है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो एक और हो जाएगी टाइम पे घात माइनस 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ पे घात 1 यानी लेंथ की पावर 1 एंड टाइम पे पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 2। क्लियर हुआ, लेंथ पे पावर 1 और टाइम पे पावर क्या हो जाएगी, यहां पर माइनस 1 और ये माइनस 1 माइनस 2। और क्रिस्टल क्लियर होगा अगले वाले स्लाइड, बने रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है, नई चीजें हैं। जब मैं अपने शुरुआत में था मुझे भी ऐसे बाउंसर जाते थे, अरे यार सर पढ़ा रहे हैं क्या है, लेकिन जब सर आगे आगे पढ़ाते तब तो मुझे पता चलता ओ ये तो ऐसे होगा, ये इस तरह से करना है अपन को, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे अपना माइंड डेवलप होगा। टेंथ की चीजें थी, इलेवंथ में आए यूनिट निकालना सीखा, अब डायमेंशन भी सीखेंगे, लेकिन हार नहीं मानी। जिंदगी में अपन ये सोच लेंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हर चीज़ नहीं होगी, कोई चीज़ें टफ भी होगी, लेकिन टाइम के साथ अच्छे से समझ में आ जाएगी, हर स्लाइड आपकी पिछली डाउट्स को क्लियर करेगी। अब देखो जैसे मैंने क्या लिखा था कि किलोग्राम था, किलोग्राम इसको बार बार किलोग्राम तो नहीं लिख सकता, केजी लिख देता हूँ ना, सेकंड को बार बार सेकंड तो नहीं लिख सकता, एस लिख देता हूँ, मीटर को बार बार मीटर एम ई टी आर इतना क्यों लिखूंगा, एम लिख दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था सिंबल होते हैं, वैसे वैसे डायमेंशन के भी सिंबल होते हैं। बार बार मैं लेंथ नहीं लिखूंगा, मैं कैपिटल एम लिख दूंगा, सॉरी मास नहीं लिखूंगा, मैं कैपिटल एम लिख दूंगा, लेंथ नहीं लिखूंगा, मैं एल लिख दूंगा, टाइम नहीं लिखूंगा, मैं टी लिखूंगा, करंट पूरा नहीं लिखूंगा, मैं ए लिखूंगा, टेम्परेचर को थीटा लिखूंगा यहां पर, ठीक है जी, थीटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी लिखूंगा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल लिखूंगा, बार बार ये चीजें नहीं लिखूंगा। तो अगर मैं पिछली बात करूं वेलोसिटी की डायमेंशन अगर मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिए जी, तो मेरे पास क्या आया था, आपने देखा होगा लेंथ पे पावर 1 और टाइम पे पावर माइनस 1, ठीक है। तो बार बार लेंथ नहीं लिख के मैं लिखूंगा एल पे पावर 1 क्योंकि एल आ रहा है, और टी पे पावर माइनस 1। ऐसे कैसे मैं जो है एक्सेलरेशन जो है उसमें क्या लिखूंगा, मेरे पास क्या था, लाइन लेंथ पे पावर, देखिए प्रीवियस स्लाइड में है ना, लेंथ पे पावर 1 और टाइम पे पावर माइनस 2, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ की जगह लिखूंगा एल पे पावर 1 और टाइम की जगह लिखूंगा टी पे पावर माइनस 2। तो इस तरह से आप डायमेंशन निकालते हैं, बहुत ही क्लियर और अच्छे से समझ में आया, मैंने बहुत धीरे पढ़ाया ये चीज ताकि आपको डाउट नहीं रहे। और भी डाउट होगा अभी आपका नेक्स्ट ब्लैक स्क्रीन पे मूव करूंगा और सारे डाउट आज की क्लास के यही खत्म करके जाने वाला हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ, है ना, तो आप चिंता ना करें अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट रह रहा है तो, ठीक है जी। चलिए जी आ जाइए और बात करते हैं, जैसे मैंने दो चीजें तो बता दी थी आपको, अब मैं इसको थोड़ा वेलोसिटी को और अच्छे तरीके से बता देता हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ। वेलोसिटी इसकी यूनिट क्या थी, यूनिट थी मीटर अपॉन सेकेंड, अपन ने निकाली थी, यूनिट से डायरेक्ट डायमेंशन लिख देते। मीटर किसके लिए आता है, लेंथ के लिए, तो एल वन, बट टाइम किसके लिए आता है, टी के लिए, टाइम टी वन, सेकेंड मतलब टाइम की बात हो रही है यहां पर। अब इसको ऊपर ले जाऊं तो एल वन टी पे पावर माइनस वन। अगला आया एक्सेलरेशन, तो यहां पर देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
मीटर किसके लिए आता है? लेंथ के लिए आता है L1। सेकंड किसके लिए आता है? टाइम के लिए, लेकिन टी, लेकिन ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं लिखूंगा L1 टी पे घात या पावर -2 हो जाएगा। थर्ड फोर्स लिखना है। अब मैं शॉर्ट तरीका बता दिया, बिल्कुल फोर्स की अपने यूनिट पता है, यूनिट पता होनी चाहिए। यूनिट जिनको नहीं पता है पिछला वीडियो देखें आप लोग, फर्स्ट वीडियो जो है फिजिक्स एंड फिजिकल क्वांटिटी है उसको देखें तो क्लियर हो जाएगा आपका। केजी मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है? फोर्स की यूनिट होती है। तो केजी, केजी के लिए साहब आ गया M1, मीटर इसके ऊपर आ रहा है तो साहब L1, टाइम इसके नीचे आ रहा है साहब तो टी पे पावर -2 क्योंकि सेकंड का स्क्वायर है। साहब इसको अलग कर लो, थोड़ा कर लो तो M1 L1 टी ऊपर चला गया -2। अरे सर ये तो सिंपल हो गया, मैंने कहा ना शुरुआत में बताऊंगा कि यूनिट आई कैसे, डायमेंशन आई कैसे, लिखना अलग चीज है समझना अलग चीज है, समझो वही जो कॉन्सेप्ट हो लिखो वही जो शॉर्ट टेक हो। अब देखो फोर्स, अब वर्क, वर्क की बात कर रहे हैं। वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा और तरीका बताता हूं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना और इजी बता दूंगा। फोर्स ये तो हो गई यूनिट, अब कोई पूछे इसकी डायमेंशन क्या है, ये सारी चीजें क्या लिखी है अपन ने, ये डायमेंशंस लिखी है। अब फोर्स, तो सर फोर्स की डायमेंशन ही लिखते हैं तो डायरेक्ट, वेरी गुड, और अच्छी बात है। तो फोर्स वाले डायमेंशन को चिपकाओ ना यार यहाँ पे M1 L1 T पे पावर -2 डायरेक्ट लिखो इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो लेंथ है ना, हाँ कोई पावर नहीं है सर, नहीं है तो L1 लिख दूं, चलो लिख दो भाई। ये देखो, अब देखो ये M1 L, सर ये एक पावर ये और एक पावर ये, सर हमने एक चीज पढ़ी है कि A पे पावर M गुणा A पे पावर N है, अगर आधार समान है यानी बेस अगर सेम है तो इसकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर सर ऐसे लिख सकता हूँ A पे पावर, अगर बेस सेम है तो यहाँ पर M प्लस N कर सकता हूँ। जी हाँ, तो सर ये L1 है और एक मल्टीपल में एक L1 और हो रहा है तो क्या L2 कर दूँ यहाँ पर, 1+1 कर दो भाई। तो ये एक L1 है और ये एक L1 है तो यहाँ को क्या कर दोगे आप, L2 टी पे पावर -2। तो आई थिंक ये चीजें आपकी क्लियर हुई होगी, बिल्कुल ही सिंपली फॉर्म में मैंने जो है आपको ये चीजें बताई है कि किस तरह से आपको यूनिट लिखनी है ना। और कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी डायमेंशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए जी, ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए है ना, वॉल्यूम के लिए कलर, लेट मी चेंज द कलर, ओके। चलिए जी बढ़िया, बिल्कुल आप सही है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा साहब, तो सर वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। यस होता है, हमने सर मीटर क्यों भी देखा है, सही देखा, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, इसलिए यूनिट क्या हो जाती है, मीटर क्यूब। अरे सर मीटर तो जो है वो अपनी एल होता है, वो तो लेंथ है सर, तो एल क्यूब कर दो डायमेंशन, कर दो तो मीटर वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगी एल क्यूब। यूनिट क्या हो जाएगी, ये यूनिट है यहाँ पर और ये डायमेंशन है, डायमेंशन। सर स्पीड, सर वो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना सर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी इसकी यूनिट सीधी लिख दूं सर, मीटर अपॉन सेकंड, सर ये यूनिट हो गई ना, तो सर डायमेंशन कैसे करूंगा सर, तो डायमेंशन सर देखो मीटर की जगह एल और ये टाइम है तो यहाँ पर टी पे पावर -1 कर दोगे क्योंकि ये बट्टे में है सर, ऊपर लेके गया मैं, चलो लेके जाओ। फोर्स की सर आपने बता दी, वर्क की आपने बता दी सर, सर प्रेशर की, तो प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो सर ऐसा करते हैं, फोर्स की यूनिट हमने पिछली बार लिखी थी M1 L1 टी पे घात -2, ये अपन ने डायमेंशन लिखी थी सर, और एरिया मीटर स्क्वायर होता है सर एरिया के लिए, तो L के घात 2। सर इसको ऊपर ले जाओ, ले जाओ भाई साहब, तो सर ऐसे लिख दू M1 L की घात 1 टी के घात -2, यानी M1 L पे पावर 1 टी पे पावर -2 इंटू L पे पावर -2। सर ये ऊपर लेके गया तो सर कैसे लिखूंगा, तो ये M1, ये सर वही वाला ना, ये +1 और -2 ऐड होके कितना बना देगा सर, -1 बना देगा, तो T पे पावर -2। सर ये आ गई ना डायमेंशन प्रेशर की, आ गई सर यूनिट, आ गई ना यूनिट, आ गई यूनिट क्या आएगी सर, सर फोर्स है तो न्यूटन और एरिया है तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर यूनिट आ गई। सर ये डायरेक्ट क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो भाई डायरेक्ट क्वांटिटीज है,
ठीक है। तो अब ये कैसे डिपेंड करती है, तो ये मास पे तो एक बार डिपेंड करती है एक पावर, लेंथ पे पावर माइनस वन पे डिपेंड करती है, और टाइम पे कितना करती है माइनस टू डिपेंड करती है। सर ये मोमेंटम क्या होता है, तो सर ये नाइन्थ क्लास में हमने थोड़ा पढ़ा है, मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी। सर मास का लिए लिख दो सर केजी लिख दो, सर ये वेलोसिटी के लिए लिख दो मीटर अपॉन सेकेंड, क्यों नहीं लिखोगे, लिखो भाई जब है तो लिखोगे। सर केजी है तो ये एम वन, सर ये तो मास है, मीटर है तो सर ये एल वन, और ये सर टाइम है लेकिन बट्टे में है तो ऊपर ले जाऊंगा तो टी पे पावर माइनस वन। सर क्या यही होगी, बिल्कुल यही होगी डायमेंशन, तो यूनिट से साथ बिल्कुल डायमेंशन आप लिख सकते हो। सर ये डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी होती है बेटा मास बट्टे वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास के लिए तो m1 लिख दो सर, लिख दो। सर वॉल्यूम के लिए हमने देखा ये वाला l क्यूब, सीधी लिख दो सर, लिख दो। तो सर डायमेंशन क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी m1 और l पे पावर माइनस थ्री। सर एक और चीज लिख दूं क्या, सर इसकी यूनिट भी बताओ ना, तो इसकी देखो मास के लिए क्या आ जाएगा बेटा, मास के लिए केजी आ जाएगा, वॉल्यूम के लिए क्या आ जाएगा जी मीटर क्यूब आ जाएगा, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब क्या होगी, ये आपकी यूनिट होगी। सर केजी अपॉन मीटर क्यूब है, क्या सर ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती बेटा, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब जो है वो आपकी होगी, मैंने बताया था एसआई में, एसआई या एमकेएस में, क्योंकि मीटर किलोग्राम में यूज कर रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो यूनिट तो होगी लेकिन किसमें होगी, तो अभी बताया था वो सीजीएस में होगी, ठीक है जी, वो किसमें होगी सीजीएस में, क्योंकि जो आपका लेंथ है उसको सेंटीमीटर में और आपका जो मास है उसको ग्राम में बता रहे हैं, इसलिए ये सीजीएस यूनिट है, ये एसआई यूनिट है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी होगी कि कब यूनिट को कैसे लिखा जाता है, कौन से सिस्टम में कौन सी यूनिट को लिखा जाता है। अलग अलग चीजें लिखी हुई है, वन आवर है ना, 60 मिनट वगैरह की चीज है, या 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, तो इसका क्या मतलब होता है कि चीज तो उतनी है पर जो मेजरमेंट का सिस्टम है वो अलग है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है ना ये केजी, अब एक और चीज, चाहे केजी अपॉन मीटर क्यूब लिखो चाहे ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब लिखो, डायमेंशन हमेशा यही आएगी, डायमेंशन हमेशा एम वन एल पे पावर माइनस थ्री आएगी, यानी डायमेंशन डज नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम कुछ भी लो, अभी भी ग्राम क्या है, तो ग्राम तो आपका मास है तो आप लिखोगे एम पे पावर वन, सेंटीमीटर क्या है ये तो लेंथ है तो एल पे पावर माइनस थ्री, क्योंकि ये ऊपर चली गई है नीचे नहीं लिखते अपन, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन जो है वो मेजरमेंट के सिस्टम पे कभी डिपेंड नहीं करती, और बाकी ये सारी यूनिट्स है। और अब आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी में उन सवालों को देखना है जिसमें यूनिट्स और डायमेंशन पूछे हुए हैं, जिसमें फंडामेंटल और डेराइव क्वांटिटी पूछी है, तो सबके आपको फॉर्मूला, अगर आपको डायमेंशन नहीं निकालनी आए तो उसका फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला देखने के बाद आपको उसकी पहले तो यूनिट लिखनी है, अपन कैसे यूनिट लिखते हैं ये, पहले तो यूनिट लिखनी है फिर डायमेंशन लिख देंगे जल्दी से जल्दी, और कुछ और देखना है सीजीएस और एमकेएस में कैसे चेंज करते हैं, मैं आने वाले वीडियो जो होगा इसका नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं बताऊंगा कि डायमेंशन की हेल्प से अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो तीन चीजें अपन डायमेंशन की हेल्प से करते हैं, पहले तो अपन किसी भी फॉर्मूले की सत्यता की जांच करते हैं, यानी वो फॉर्मूला कितना ट्रूथ है, उसमें कितना सच है, ये अपन चेक करते हैं कि वो फॉर्मूला जो लिखा हुआ वो सही है या गलत है, उसकी जांच करते हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि एक जो आपकी सिस्टम है उससे दूसरे सिस्टम में कैसे जाना जाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं एक और चीज आपको थोड़ा बता दूं, जैसे न्यूटन होता है ना जी, न्यूटन एसआई में लिखते हैं, अगर मैं सीजीएस में लिखूंगा तो डाइन होता है, ये डाइन वो सीरियल वाली नहीं है, इसका एक ये तो सीजीएस यूनिट इसकी डाइन होती है। तो इन सारी यूनिट्स के बारे में भी चर्चा करते हैं कि सीजीएस यूनिट कौन सी होती है और आपकी एसआई यूनिट कौन सी होती है, क्योंकि इस ये बेस है फिजिक्स का, अगर ये नहीं पता है तो सवाल गलत होंगे और हर चैप्टर में जो है आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिसको बहुत अच्छे से समझना है ना, ये नींव है, इसके बाद सारी चीजें काफी इजी हो जाएगी, धीरे धीरे अपन जो है वेक्टर पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे और फिर अपन काइनेमेटिक्स में मूव करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोग जो है हमारे साथ इस तरह से जुड़ते हो, बहुत जो है हमें अच्छा लगता है, और ऐसे ही जो है आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए।
है ना, जो भी लोग हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में जो है, इसको शेयर करें ताकि उनको भी जो है क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उनके भी यूनिट्स मेजरमेंट्स वगैरह जो है बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है जी, तो अगले वीडियो में मिलूंगा इसी ऊर्जा एनर्जी के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर सारी चीजें सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहे, है ना, बहुत जल्दी जो है अपन जो लाइव भी रूबरू हो जाएंगे एक दो दिन के अंदर, तो फिर तो बहुत अच्छा रहेगा, क्लास के डाउट क्लास में ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सामने रहेगा चैट बॉक्स। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।